नमस्कार, मैं शिप्रा विश्वकर्मा। मैं आज आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग को सभी को स्वागत है मेरी अपनी चैनल कुकिंग विद सुंधा एंड भोलानाथ शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने आई हूँ बहुत टेस्टी ब्रेड रोल। इसके लिए लगेगी मुझे बॉयल आलू, कद्दूकस किया हुआ गाजर है, टमाटर है, धनिया पत्ता है, हरी मिर्ची है, कैप्सिकम है, थोड़ा अदरक है ग्रेट किया हुआ, थोड़ा आमचूर पाउडर मैं रखी हूँ, और जीरा गरम मसाला का पाउडर है, और लाल मिर्ची का पाउडर है, थोड़ा नमक और चीनी लगेगा। और तो देखिए ब्रेड है, ब्रेड को मैं चारों तरफ से काट कर रखी हूँ। इसको पानी का छींटा डालकर थोड़ा रखना पड़ेगा। और कढ़ाई गरम कर ले रही हूँ। कढ़ाई गरम करके मैं थोड़ा जीरा डाल दी। अब मैं आलू इस तरह बॉयल कर आलू मैं ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। ग्रेट करके मैं साइड में रख रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जीरा गरम हो गया है, और मैं थोड़ा बादाम और किशमिश डालकर इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं कैप्सिकम डाल दूँगी। कैप्सिकम भी मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ। कैप्सिकम थोड़ा नरम हो जाने पर मैं एक एक करके सारा चीज़ इसमें डाल दूँगी। थोड़ा टमाटर डाल दी, गाजर डाल दूँगी, और अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची मैं सब डालकर इसका मसाला तैयार करने के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक और चीनी डाल दी, और जीरा गरम मसाला का पाउडर भी मैं डाल दी, और आमचूर पाउडर डाल दी। आमचूर पाउडर डाल देने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रेट किया हुआ आलू है, इसको भी मैं डालकर इसको अच्छी तरह से इसका मसाला फ्राई करूँगी। फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। आलू खूब सुंदर से फ्राई करने के बाद इसके में से एक तो खुशबू अच्छी तरह से निकलने के बाद मैं आलू को ठंडा करने के लिए प्लेट में ढाल कर रखी हूँ। और मैं छोटा छोटा बॉल बना लूँगी इसका ब्रेड में भरने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्रेड ले रही हूँ, थोड़ा सा पानी का छिट्टा डालकर ब्रेड को मैं भी ब्रेड के अंदर आलू भर डाल दी, और आलू डालकर मैं थोड़ा सा मैदा का घोल बना कर रखी हूँ। इसकी मैं मैदा का गाढ़ा पेस्ट बना के रखी हूँ इसको चिपकाने के लिए। मैं मैदा इसको चिपकाने के लिए मैदा डालकर इसको अच्छी तरह से चिपका दे रही हूँ। ये कहीं से भी निकलने का कोई चांस नहीं है, और मैं इसमें कोई ब्रेड क्रम कुछ नहीं लगा दे रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और खाने जब बनकर रेडी होता है बहुत ही कुरकुर होता है। इसमें कोई झमेला नहीं है, बस ब्रेड को लीजिए, थोड़ा पानी का छींटा डाल के उसके अंदर आलू का पूर भर के इसको मैदा का घोल लगा के बंद कर दीजिए इसका मुँह। और मैं डीप फ्राई तेल में तेल गर्म करके इसको डीप फ्राई कर लिए। कहीं से निकलने का कोई चांस नहीं है। मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी, और चाय के साथ खाइए, शाम को नाश्ता में खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चा लोग को भी दीजिए, अपने भी खाइए, परिवार को सब कोई को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। देखिए ये बनकर रेडी हो गया है मेरा, और मैं इसको निकाल कर रखूँगी। कितना सुंदर कलर भी आया है। और फिर मैं दूसरा ट्रिप में डाल दे रही हूँ, इसको भी मैं डीप फ्राई करके फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैं बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। और देखिए ठंडा होने के बाद मैं सॉस डालकर इसको सर्विंग प्लेट में मैं सर्व कर दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दे, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करिए। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।